गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सब्जेक्ट ऑफ मैथ्स। सो लेक्चर नंबर फोर में स्टूडेंट्स हम देखेंगे जो टेंथ पार्ट है, जिसमें लिखा है लुक एट द नंबर लाइन गिवन बिलो। हमने डिसेंडिंग ऑर्डर तक कर लिया था, लेकिन अब हम नंबर लाइन करने जा रहे हैं। गिवन बिलो जो नंबर लाइन दी गई हैं, इस वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें देखेंगे जो नंबर लाइन्स हैं, सबसे पहले इस नंबर लाइन्स को आप बना लेंगे, माइनस नाइन से लेकर नाइन पॉजिटिव नाइन तक, ये नंबर लाइन आप बना लीजिए। इसके बाद इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे 82 पेज नंबर पे, वो उसके मैं आपको सॉल्यूशन आपको बताता हूँ। आप देख सकते हैं मैंने ये नंबर लाइन बना लिए, ठीक है, माइनस नाइन से लेकर नाइन तक। अब इसमें हम यहाँ पे ये लिखा गया है कि इफ़ वी आर एट फोर ऑन द नंबर लाइन, यानी कि फोर किसका है, पॉजिटिव का है, इन विच डायरेक्शन शुड मूव सो दैट वैल्यूज़ इंक्रीजेस, ये किस डायरेक्शन को मूव करेगा ये हमें बताना है, और कैसे इसकी वैल्यू इंक्रीज़ होगी ये चीज़ हमें इसमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले देखिए इसमें लिखा है इफ़ वी आर एट फोर, अगर ये फोर जो लिखा है, ये फोर किसका है, पॉजिटिव का है, तो पॉजिटिव में फोर यहाँ पे है, ठीक है, ये फोर है आपका। अब इससे वैल्यू इंक्रीज़ कैसे होगी, फोर के बाद क्या आता है फाइव, फाइव के बाद आता है सिक्स, सिक्स के बाद आता है सेवन, यानी इंक्रीज़ किस साइड को हो रही है, ये हम ये वाला हमारा साइड कौन सा है, राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड को ये इंक्रीज़ हो रही है। तो इसका हम क्या कह सकते हैं कि वी शुड मूव टूवर्ड्स राइट, तो ये किस साइड को मूव हो रही है, राइट साइड को, तो राइट साइड के लिए हम लिख सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वी शुड मूव टूवर्ड्स राइट। ओके स्टूडेंट्स, सेकेंड में लिखा है कि एट विच डायरेक्शन शैल वी रीच एट मूव सिक्स स्टेप लेफ्ट ऑफ माइनस टू। अब माइनस टू से सिक्स स्टेप लेफ्ट करेंगे तो क्या कितना इसका एट विच कौन सा डायरेक्शन होगा और कितना कितने पे रीच करेगा, तो आप देखेंगे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर मैं यहाँ से देखता हूँ माइनस टू से, ठीक है, अब माइनस टू के बाद अगर हम सिक्स स्टेप देखते हैं, सिक्स स्टेप्स का मतलब है कि हम टू के माइनस टू है तो टू के बाद थ्री, यानी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स पे क्या आ रहा है, सिक्स स्टेप हमने मूव किया तो क्या आ रहा है, माइनस एट, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस एट। तो वी सेल रीच एट माइनस एट, यानी कि अगर हम सिक्स स्टेप्स लेफ्ट चलते हैं माइनस टू से तो कितना हो जाएगा, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो सिक्स स्टेप चला तो कितना हो गया, माइनस एट, तो यही हमने आंसर लिख दिया, वी सेल रीच एट माइनस एट। थर्ड में लिखा था कि इन विच डायरेक्शन शुड वी मूव फ्रॉम माइनस सेवन टू रीच माइनस थ्री, अब माइनस सेवन से माइनस थ्री के बीच में कितना हम डायरेक्शन मूव करेंगे, ये चीज़ हमें लिखना है, कौन सा डायरेक्शन मूव करेंगे ये हमें बताना है। तो माइनस सेवन से माइनस थ्री के बीच में आप देख रहे हैं माइनस सेवन ये लिखा है और माइनस थ्री ये लिखा है, तो माइनस सेवन से माइनस थ्री के बीच में हम कौन सा डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, राइट साइड वाला, इस साइड को हम राइट साइड कह रहे हैं, ये वाला हमारा लेफ्ट साइड का होगा, तो राइट साइड को ये राइट साइड वाला है और ये लेफ्ट साइड वाला है, तो माइनस सेवन से माइनस थ्री के बीच में हम कौन सा मूव कर रहे हैं डायरेक्शन, राइट साइड वाला, तो हम क्या लिखेंगे, वी शुड मूव टूवर्ड्स राइट। ओके स्टूडेंट्स, तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो जाएगा, ये नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद देखेंगे स्टूडेंट्स हमारा क्या दिया हुआ है, उसके बाद दिया है फाइंड द वैल्यूज ऑफ वन, वन का क्या दिया हुआ है, वन माइनस ट्वेंटी फाइव मॉड में, यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू में लिखा हुआ है वन माइनस ट्वेंटी फाइव, तो हमने पता है कि जो पॉजिटिव साइंस में हो जाती है चेंज होके एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा, तो पहले ये क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए, वन माइनस ट्वेंटी फाइव मॉड में जो लिखा है, तो ध्यान दीजिएगा वन माइनस ट्वेंटी फाइव लिखा हुआ है मॉड में, तो पहले हम इसको अंदर का जो मॉड है उसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व पहले कर लेते हैं, तो वन माइनस ट्वेंटी फाइव कितना हो जाएगा, माइनस ट्वेंटी फोर, ठीक है, अब माइनस ट्वेंटी फोर को मॉड को हम चेंज मॉड हटाएंगे तो क्या बनेगा, एब्सोल्यूट वैल्यू हटाएंगे तो क्या बन जाएगा, ट्वेंटी फोर, यानी कि पॉजिटिव का ट्वेंटी फोर, पहले अंदर वन माइनस ट्वेंटी फोर कितना हो जाएगा, ट्वेंटी फाइव माइनस वन कितना हो जाएगा, ट्वेंटी फोर, लेकिन माइनस का होगा क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा हुआ है, कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ट्वेंटी फोर। ओके, उसके बाद यहाँ सेकंड में लिखा है जीरो, जीरो के साथ लगा है क्या, एब्सोल्यूट वैल्यू जीरो, अब एब्सोल्यूट वैल्यू जीरो की क्या हो जाती है, हमेशा जीरो ही रहती है, तो आप जीरो ही लिख दीजिएगा। सो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वन ट्वेंटी फाइव माइनस ट्वेंटी फोर दिया हुआ है, पहले हम अंदर को सॉल्व कर लेते हैं, डायरेक्ट हम इसका एब्सोल्यूट वैल्यू को जो मॉडुलस लगा है इसको हम नहीं ओपन कर सकते, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, तो 125 माइनस 24 को क्या मिलेगा, 101, लेकिन यहाँ पे प्लस का ही 101 मिलेगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, 101 हमारा आंसर हो जाएगा अगर हम मॉड को हटाते, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव का साइन लगा ही हुआ है पहले से, तो 101 हमारा आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है माइनस, बाहर लिखा हुआ है माइनस लगा हुआ है, फिर मॉडुलस 26 लिखा है, माइनस मॉडुलस माइनस 26 लिखा हुआ है, ठीक है, अब एब्सोल्यूट वैल्यू में 26 है उसका 26 लिखेंगे, माइनस बाहर लिखा है इसलिए हमने माइनस बाहर लिख लिया 26, ठीक है, माइनस लिख लिया, अब यहाँ पे देखेंगे अंदर जो हमारा माइनस दिया हुआ है माइनस 26, ये हमारा क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो माइनस 26 और माइनस 26 कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 26 प्लस 26 कितना हो गया, 52, माइनस का 52, ठीक है। उसी प्रकार से 261 दिया है और माइनस 161 दिया है, तो 261 लिखा है, ठीक है, माइनस का साइन है ये, मॉडुलस का साइन, ये जो माइनस का साइन अंदर वाला वो चेंज हो जाएगा, मॉडुलस जब हटेगा तो कितना हो जाएगा, 1
161 हो जाएगा, ठीक है। अब 161 कितना हो जाएगा, 100, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से इसी का सिक्स पार्ट देखिए, इसमें लिखा है माइनस का 56 माइनस 102, तो मॉडुलस जब इसका हटेगा तो कितना हो जाएगा, माइनस 56 माइनस 102, और बाहर भी माइनस दिया हुआ है तो 56 माइनस 102 कितना हो जाएगा, माइनस 46, और माइनस 46 जब हटेगा तो हमारा बाहर का जो माइनस है वो यहाँ पे लग जाएगा, तो माइनस 46 हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ तक आप ये नोट डाउन कर लीजिएगा, ओके स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, अब हम इसके बाद करने जाएंगे क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिखा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। अब ट्रू और फॉल्स लिखे हुए हैं, तो इसको आपको बुक में ही लिख लेना है, ठीक है। इसको आप कॉपी में पूरा नोट डाउन भी कर लेंगे, यहाँ से लेकर 1 से लेकर 6 तक। फर्स्ट में लिखा है जीरो इज एन इंटीजर, आपको पता है जीरो हमारा क्या है, इंटीजर है, तो इसलिए हम इसमें क्या लिख सकते हैं, ट्रू लिख सकते हैं। जीरो तो आपको पता है इंटीजर होता है, तो जीरो इज एन इंटीजर, तो हम इसको ट्रू लिख सकते हैं। जीरो इज ए स्मॉलेस्ट इंटीजर, आप ये कह नहीं सकते जीरो इज ए स्मॉलेस्ट इंटीजर होगा, क्योंकि उसके बाद हमारे इंटीजर्स -1, -2 जो होते हैं वो भी तो स्मॉलेस्ट होते हैं जीरो से, तो इसलिए जीरो हमारा स्मॉलेस्ट इंटीजर नहीं होता है, तो इसको हम फॉल्स लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ लिखा है अपोजिट ऑफ जीरो इज जीरो, अब हम जीरो का अपोजिट जीरो ही होता है हमेशा, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, ट्रू लिखेंगे। अब -25 इज ग्रेटर देन -20, आपको पता है कि जो -25 है जो सबसे बड़ा नंबर होता है नेगेटिव में, वो सबसे स्मॉलर होता है, तो और इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, -25 को यहाँ पे ग्रेटर बताया गया है, इसलिए ये चीज़ क्या हो गई, फॉल्स हो गई, ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया, ठीक है। आपको पता है जो स्मॉलर नंबर होता है नेगेटिव में वही हमारा सबसे बिगर नंबर होता है, यानी ग्रेटर नंबर होता है, तो यहाँ पे लिखा है कि -25 जो है वो ग्रेटर है -20 से, तो ये हमारा फॉल्स होगा। जीरो इज़ ए लार्जर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर्स, ये तो आपको पता ही है कि जीरो के से जो पहले आता है, ये जीरो हमारा आता है जीरो से, जो लेफ्ट साइड में जितने भी नंबर्स होते हैं वो सब हमारे क्या होते हैं, स्मॉलर होते हैं, और जीरो जो होता है वो हमारा लार्जर होता है, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट ट्रू। अब यहाँ देखा -1 इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर्स, आपको पता है जो सबसे ग्रेट स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, -1 वो सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट होता है सभी नेगेटिव इंटीजर्स से, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 12 के सिक्स पार्ट तक आप इसको ट्रू फॉल्स जो हैं वो आपको कॉपी में नोट डाउन कर लेना है, ठीक है स्टूडेंट्स। यही आज आपका होमवर्क होगा, इतने क्वेश्चंस आपको नोट डाउन करने हैं। थैंक यू।